बहुत खुश हूँ मैं, मेरा दोस्त आया है फिल्म प्रमोट करने अपने शो पे। भाई कौन से दो दोस्त? क्योंकि तुम तो दोस्त नहीं हो, दोस्त से बढ़कर हो चुकी बन गई हूँ अब। 22 एपिसोड में इसने लगातार हर हीरोइन के साथ फ्लर्ट किया हुआ है, एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक्चुअली ऐसे हड्डी डाल दी। देखो मैं वो मछुआरा हूँ जो जाल लेके समंदर में उतर चुका है। जाल लेके समंदर में। मेरे को क्या पता था पहली मछली वेल फंस जाएगी मेरे पास। आज की जनरेशन के लिए, हिंदुस्तान के यूथ के दिलों की धड़कन, जोरदार तालियां विराट कोहली के लिए हो रहे हैं। नहीं बट भाई यार क्या पर्सनैलिटी है, मतलब क्या बॉडी बनाई है। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां टाइगर श्रॉफ के लिए। बट एक बात बताऊं यार नुसरत, मेरे को ना एक लड़की से बहुत प्यार है। हमें शो के डायरेक्टर ने सिखाया काम अपनी जगह मोहब्बत अपनी जगह, तो इसलिए जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पर तो सच बोलना ही चाहिए। वेरी गुड, सीखा कुछ टीटू? हाँ मैं तो करता ही हूँ तुमसे मोहब्बत, मैं कुछ बोली नहीं। तेरा नाम टीटू है? हमारे गाँव में बछड़ों के नाम होते हैं टीटू। वैसे मुंबई में एयरपोर्ट का नाम भी टीटू ही है। टीटू है ना, पहली बार किसी के मुंह से एयरपोर्ट सुना है, वरना यहाँ पर तो स्टेशन वाले बैठे। फिल्म के बारे में बताइए आप हमको। फिल्म जो है सोनू के टीटू की स्वीटी, जैसा कि नाम है सोनू का टीटू है, टीटू की स्वीटी है। ये स्टोरी में आपको पता लगेगा फिल्म के अंदर कि कैसे जब दोस्ती के बीच में एक लड़की आ जाती है। आप बीच में आएंगे प्लीज, वी वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सनी प्लीज, धीरे धीरे मैंने इसको यहाँ ले आना, पता है? हाँ, फिर यहाँ आएगी फिर। जी अब बताइए। तो वही अभी जैसे बीच में आ गई हम दोनों के, ऐसी फिल्म में दिखाया जा रहा है कि दोस्ती जीतेगी कि लड़की। ऑब्वियसली लड़की। थैंक यू। ये आपको 23 फरवरी को पता लगेगा। तुम्हारे सर पे ना धर्मा का हाथ है ना यशराज का हाथ है, फिर भी स्टार बन के एंटरटेनमेंट की रात में आ गए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए स्ट्रगल रहता है, हम लोग इस मामले में लकी रहे हैं कि लवरंजन सर जैसे डायरेक्टर एंड राइटर मिले शुरुआती करियर में, एंड उन्होंने ऐसी फिल्में हमारे साथ बनाई जो सबसे कनेक्ट हुई, और उसकी वजह से हमें कोई बड़े नाम के अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा ऑडियंस का अटैचमेंट हो गया। एक सवाल, आपने सारी फिल्में लव रंजन के साथ की है ना? हाँ हाँ। तो बाहर काम मिलता नहीं क्या, करते नहीं? साइलेंस। मेरे अब जो समझे वो समझे। नहीं नहीं, मैंने बाहर की, मेरी चली दे। मेरी भी। मैंने अब तक बाहर की नहीं। ये समझदार निकला तो, तीनों में से। अगर ये समझदार निकला कि डायरेक्टर समझदार निकले, इसको बाहर जाने नहीं दिया। एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे कार्तिक। हाँ। सच बताना, सच सच बताओ, बिल्कुल झूठ मत बोलना। जब आपको वो मिला 25 पेज का मोनोलॉग, जी आपने इन दोनों को बोला कि उतने तुम्हारे फिल्म में डालोगे जितने मेरे एक सीन में? नहीं, मैंने मन ही मन बोला। पहली थी ना तो मन में, सेकंड में बोल दिया। सेकंड में बोल दिया मुंह पे? हाँ मुंह पे बोला। सनी फिर कैसा फील हुआ? सनी रिएक्शन दे रहा था ना। रिएक्शन दे रहा था। नुसरत सच बताना, आप बिल्कुल सच, कभी अपने आप को ऐसे सर्च किया नेट पे नुसरत हॉट पिक्स? हाँ जी। तो किसकी फोटो आती है? किसकी आती है? कभी कभार मेरी आ जाती है उसमें। कभी कभार। कभी सिटी निकली अपनी फोटो देख के? नहीं 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 नहीं। कार्तिक एक इंटरव्यू में बोला था आपने कि आप एक एक दिन में 25-25 अंडे खा जाते थे। जी जी। तो मुर्गियां वुमेन सेल में नहीं गई आपके खिलाफ? जल्दी जल्दी में पूरा अंडा खा लिया, सुबह पूरे निकल। क्या हुआ है? क्या कभी कभी हुआ? तो आप क्या खाती हैं? यार मैं कुछ नहीं खाती, मुझे मम्मी खाने की टेंशन नहीं है, ये सिर्फ फुटेज खाती है, खाना नहीं खाती।